बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में देखते हैं कि एक औरत के लिए ज़िंदगी कितनी आसान है, जिसे आज के स्टेटस कॉन्शियस माशरे ने कितना मुश्किल बना दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब पाँचों नमाज़ें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी पारसाई की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभानअल्लाह। मसनद इमाम अहमद की यह हदीस मुबारक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से हमें पता चलता है कि औरत की ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आज के दौर में बना दी गई है। कुछ खुद औरतों ने बना ली है और कुछ हमारी सोसाइटी ने बना दी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम ख़वातीन को ख़ास तौर पर अपने बच्चों का, अपनी नस्ल की परवरिश का काम जो है सौंपा गया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम।